दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के बड़े नेता ऐसे हांफ रहे हैं कि मानो 800 मीटर का बैटन रिले दौड़कर आए हों। अपने सामने अभी तक आप पार्टी और उसके चीफ अरविंद केजरीवाल को दो कौड़ी का समझने वाले कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेता अब भी खुलकर मानने को तैयार नहीं है कि अब वो केजरीवाल के सामने कहीं के नहीं रह गए। अगर ऐसा ना होता तो पूरे खानदान के लिए टिकट दिलाने के लिए बदनाम नेताओं की जमात ये फौज इतनी आसानी से चुनाव लड़ने से इनकार नहीं करती। दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता जिस तरह से चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि चुनावी नतीजों को लेकर मीडिया की कयासबाजियों से वो बेहद डरे हुए हैं। उनके मन में ये खौफ बैठ चुका है कि अगर वो चुनाव लड़ने उतर गए और केजरीवाल की पार्टी से हार गए तो बनी बनाई इज्जत की मिट्टी पलीद हो जाएगी। इसलिए सभी बड़े बड़े नेता चुनाव न लड़ने के बहाने खोज रहे हैं। शुरुआत करते हैं दिल्ली में तीन बार राज कर चुकी कांग्रेस से। एक दौर था कि कांग्रेस में सीएम की कुर्सी पर बैठने के लिए नेता एक दूसरे का सिर फोड़ने पर उतारू रहते थे। शीला दीक्षित के रहते ही पूर्व अध्यक्ष और मनमोहन सरकार में मंत्री रहे अजय माकन, मौजूदा अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा, संदीप दीक्षित, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, जेपी अग्रवाल, अरविंदर सिंह लवली, हारून यूसुफ जैसे न जाने कितने नाम थे। लेकिन हालत यह है कि आज इनमें से कोई भी विधानसभा चुनाव लड़ने को आसानी से तैयार होता नहीं दिख रहा। दिल्ली कांग्रेस के तीन बड़े नेताओं ने नहीं लड़ने का फैसला किया है। प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन कीर्ति आजाद चुनाव नहीं लड़ेंगे। तीनों का कहना है कि उनका मकसद पार्टी को जिताना है, वो खुद जीतने के लिए कांग्रेस में नहीं है। राजनीति में ठीक वैसी ही बात हो गई कि गुड़ खाएंगे और गुलगुले से परहेज करेंगे। अब कांग्रेस बीते दिनों के बड़े चेहरों मसलन दलित नेता कृष्णा तीरथ, ए के वालिया, किरण वालिया, हारून यूसुफ, प्रवेश हाशमी और अरविंदर सिंह लवली पर ही दाव लगाएगी। बीजेपी में सीएम के लिए जो तीन बड़े दावेदार हैं वो भी चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ये कहकर रणछोड़ बनने जा रहे हैं कि हाईकमान ने उन्हें पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी भरा पद दिया है, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लड़वाएंगे और पार्टी को जिताएंगे। लेकिन तिवारी का ये तर्क इसलिए गले नहीं उतर रहा कि वो लोकसभा चुनाव में भी पार्टी के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने सांसदी का चुनाव क्यों लड़ा, अपनी जगह किसी और को लड़वा सकते थे। यानी साफ है कि मोदी लहर पर सवार होने वाले अब केजरी लहर में बहाने खोज रहे हैं। तिवारी की तरह ही पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल और विजेंद्र गुप्ता भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। यानी दिल्ली के इस चुनाव में एक बात शीशे की तरह साफ हो गई है कि सब दिन होत ना एक समाना, भीलन लुटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाड़ा, सब दिन होत ना एक समाना। आकाश शुक्ल, लखनऊ।